धन लक्ष्मी योजना को अब आप लोगों को ही चलाना है और उसका सारा हिसाब किताब भी आप लोग ही रखोगे। हमसे बनेगा बहन जी? अरे क्यों नहीं बनेगा, आप लोगों को तो जोड़ गुना भाग सब कुछ आता है, और फिर आपको तो 50 तक का पहाड़ा भी याद है। क्यों दीदी, डाकिया दे गया। क्या बात है, कोई परेशानी? क्या बात है, कोई परेशानी? मेरी तरक्की हो गई है, मैं सहायक विकास अधिकारी बना दी गई हूँ। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, चलिए पर्स निकालिए, पेड़ा खाएंगे। मुश्किल की बात तो ये है कि मुझे मुझे सेविका बनना पसंद है, पर अधिकारी नहीं। अधिकारी बनते ही आदमी में पता नहीं क्यों एक ऐड सी आ जाती है, और उसे बाकी सभी लोग बौने जैसे दिखने लगते हैं। दीदी हम आपकी ये बड़ी बड़ी फिलॉसफी नहीं समझते, हम तो इतना जानते हैं आपकी तरक्की यानी हम सबकी तरक्की। क्यों भाई? हाँ भाई, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि अब मुझे आप सबसे दूर झांसी में ही ज्यादातर रहना पड़ेगा, और फिर वहाँ घर देखना, नए सिरे से सब कुछ जमाना। दीदी आप चाहती थी ना कि मैत्रेयी का पढ़ाई झांसी कॉलेज में हो, तो भगवान ने आपका मनचाहा सुन लिया। रही बात आपके रहने की, तो वह है ना आपके जान पहचान के सुकेश बाबू, जादूनाथ वाले वाले, वो इंतजाम कर देंगे। कब ज्वाइन करना है? अगले महीने। वो सब तो ठीक है, लेकिन असल मुद्दा वही रह गया। असल मुद्दा मतलब? अरे धनलक्ष्मी योजना का उद्घाटन हो गया, आपकी तरक्की हो गई, कंजूसी छोड़िए, निकालिए पैसा, हम लोग पेड़ा खाएंगे। बेटा तुम्हारी अम्मा कब तक आएंगी? बस आती होंगी, टाइम तो हो गया। तब तक थोड़ा रेडियो लगा दो, गाना ही सुनते हैं। अरे बहन जी आप कैसे आना हुआ? पुष्पा के लिए एक लड़का देखा है। अच्छा बेटा जरा चाय बना के लाना। हमारी ननद का रिश्ता लेकर गए थे, अब लड़के वाले कहने लगे कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, मना कर दिया। लड़का खुद कितना पढ़ा लिखा है दीदी? डॉक्टर है, और एक ही रट लगाया है, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। हमने तो बहुत समझाने की कोशिश की, हमारे ससुर ने तो पूरे रुपयों की थैली खोल कर रख दी थी, मगर नहीं तो नहीं। ये तो बड़ी अच्छी खबर लाई है दीदी आप। एक काम कीजिए, आप डॉक्टर बाबू से कह दीजिए कि 15 दिन तक मैं और मैत्री गांव में ही हैं, लड़की देखने उन्हें गांव ही आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे प्राइवेट में लड़की दिखाना चोरी जैसा लगता है। अरे लड़की को मत ले जा, लेकिन तू जाके पहले लड़के को देख ले, फिर बात जम गई तो ठीक आगे बढ़ाना, नहीं तो जयराम जी की। नहीं दीदी आपने कह दिया ना तो अच्छा ही होगा। नहीं कस्तूरी, शादी ब्याह के मामले में तो ब्रह्मा जी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? तो फिर कहाँ जाना होगा उससे मिलने के लिए? अलीगढ़ में, लड़का वहीं रहता है कमरा लेकर, बाकी परिवार गांव में रहता है। कल मैं रिश्तेदारी में वहीं जा रही हूँ, चाहे तो चली चल। कल? हाँ, अब जब भगवान ने तेरी मनोकामना सुन ही ली तो देर किस बात की। ठीक है दीदी, तो कल फिर चलते हैं हम सब। सब जम जाए तो पता नहीं, हर बार तो आता है आखिरी। अरे लगता है नहीं, अब क्या करें? चल चलते हैं। अरे सुनना भैया, ये डॉक्टर साहब कब तक आते हैं? जी वो तो सिनेमा देखने गए हैं, आते ही होंगे। ओ सिनेमा, लड़का सिनेमा देखता है? अरे तो क्या हुआ, आजकल तो सभी सिनेमा देखते हैं। मैंने भी होमी वाडिया की हंटर वाली 7 बार देखी है। बहन जी चल चल। अरे नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, आप यहाँ अचानक बहन जी? ये कस्तूरी है, सिरकुरा गांव से, सहायक विकास अधिकारी, मेरी जान पहचान की है, आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। जी जरूर आइए। जी आप बताइए। बता। मैं आपके लिए अपनी बेटी मैत्री का रिश्ता लेकर आई हूँ, वो बीए अंतिम वर्ष में है और काफी होनहार भी है। ये रही इसकी मार्कशीट। जी। अरे वाह, नंबर तो काफी अच्छे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मार्कशीट भी देखना चाहूंगी। जी जरूर।
ये रही मेरी डिग्री और ये इसमें मार्कशीट भी है। वाह, आप तो काफी प्रतिभावान हैं। तो आप ही बताइए कि कैसे क्या करना है। आपके पिताजी से मिल ले हम? नहीं, उनसे मिलने की क्या जरूरत है, शादी तो मुझे करनी है ना। अरे वाह, लेकिन बेटा तुम इसके रंग रूप से बिटिया का अंदाजा मत लगाना। अरे वो तो बहुत लंबी और गोरी भी है। अरे कैसी बात कर रही हैं आप, रंग रूप तो सिर्फ 4 दिन के लिए होते हैं, जिंदगी भर साथ निभाने के लिए गुण का होना जरूरी है। और वैसे भी मैं कस्तूरी जी के निर्भीकता से इतना प्रभावित हुआ हूँ कि। बेटा अब ये भी बता दीजिए कि आपके घर कुछ दान दहेज जैसी? नहीं नहीं, बस प्रेम भाव बनाए रखें, बस। ये दान दहेज में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर मैं कहूंगा कि कोई भी बात तय करने से पहले मैं एक बार जरूर आपकी बिटिया से मिलना चाहूंगा। अरे वाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बेटा। जब भी तुम्हारे पास फुर्सत हो हमें एक टेलीग्राम करके गांव सिरकुर आ जाना। हाँ, और क्या, घर बार कन्या सब साथ में ही देख लेना। क्यों, ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं। ले अम्मा, कैसी रही आपकी यात्रा? अच्छी रही, और लड़का तो बहुत ही अच्छा है, जैसे विचारों का सोचा था बिल्कुल वैसा मिला। डॉक्टर है पर कोई घमंड नहीं। भगवान दास आए थे, कह रहे थे अड़ू के नगला के पाठक जी अपने बेटे को लेके मिलने आना चाहते हैं। पहले उसे देख ले अम्मा। फिर वही बात, तुझसे कहा है ना मैत्रेयी, उन्हें भूल जा, बहुत ही दक्षिणानुसी परिवार के लोग हैं। पता नहीं उनका बेटा इंजीनियर कैसे बन गया। मैंने जो लड़का देखा है ना तेरे लिए, वो देवता है, देवता। अम्मा ये क्या बात है, आप जिसे देवता मानती हैं मैं भी उसी को देवता मान लूं, शादी कर लूं, चाहे मैं उसे पसंद ना करूं तो भी? हाँ तो भी, और अब बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत जल्दी ही तुझे देखने आने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुझे जरूर पसंद आएगा। सिर जी कुछ तो बोलिए। क्षमा करें भैया, लड़का लड़की का गुण दोष का तो मिलान हो नहीं रहा है और ना ही नाड़ियों का मिलान हो रहा है, अब आप ही बताइए क्या करें। भाई हमें तो पंचांग और पत्रों में रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। हमें भी विश्वास नहीं है, पत्र की बात कभी सच नहीं होत है। कर्म गति टारे ना ही टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी। अब आगे आपकी जैसी मर्जी। मैं तो साइंस का विद्यार्थी हूँ, मुझे भी ये सब सही नहीं लगता, मैं तो बस आप लोग के संतोष के लिए पंडित जी का मेल मिलाप देख रहा था। तो देर किस बात की, टीका तिलक करो। हाँ, आओ। अरे डॉक्टर साहब, हमारा नेम तो देव। हाय दैया, ये तो नवा के पैर छुए की नई रीत चला रहे हैं। चलिए सब लोग मुंह मीठा करिए, लीजिए लीजिए पंडित जी। आप लोग तो लो, लो बेटा। बेटा अंदर चल के मैत्रेयी को भी एक लड्डू खिला दो। तो बेटा अब तुम ही देख लो कि कैसे क्या करना है, हम लोग तो अब झांसी जा रहे हैं, तो तुम अपने पिताजी को लेकर वही आ जाना मंगनी की रस्म के लिए। ठीक है, अब जैसे आपकी आज्ञा, मैं इत्तला करूंगा। ठीक है, तो चलो अब फिर भोजन किया जाए। वैसे आज का खाना मैत्रेयी ने बनाया है, हो सकता है कि दाल में नमक कम हो। मैं नमक कम ही खाता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते।
ये रही कमरे की चाबी, कमरा मैंने साफ करवा दिया है, थोड़ा जल्दी में हूँ, शाम को मुलाकात होगी। जी, नमस्ते। अच्छा मैत्री, तू यहाँ आराम से रहना, इस बाड़े का नाम जादूनाथ का बाड़ा जरूर है, लेकिन यहाँ के पड़ोसी बड़े अच्छे हैं। और सुन, तू कॉलेज वक्त पे जरूर जाना, ठीक है? मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि 15 दिन तक तो मुझे लखनऊ में रहना ही पड़ेगा। अच्छा मैं निकलती हूँ, नहीं तो मेरी ट्रेन लेट हो जाएगी। अगर डॉक्टर का कोई खाता है ना तो तू मुझे इस नंबर पे फोन कर देना, ठीक है? चल। आप रोज रोज हमें छत साफ करने को कहे तो कहू देना, हमें इतने खून में देख लो तो हमें गारेंगे और सुनाएगो कि जो मेहतरानी संडा छोड़ के छत पे कैसे आ जाते। कोई नहीं देखेगा बाबा, और फिर देख लेगा तो मैं समझा लूँ। कोई से कहियो नहीं मिडिया, कह दूंगी तो क्या होगा? जो बाड़े के लोग हम आप काम छुड़वा दें। अरे तुम तो साफ सुथरी हो, काम करने आई हो, इसमें गलत क्या है? जो झांसी है बिटिया, यहाँ छूत छात बहुत मानत है। मेरा दिल भर आया, छुआ छूत ऊंच नीच मन में हंगामा सा करने लगे, और सारी व्यथा एक तीखा व्यंग बनकर कविता में उतर आई। बाड़े के लोगों को पानी पिलाने वाली मतौन, अपने कंधे और बाहों को देख जो पुष्क हैं मजबूत भी, नाजुक भोली भेड़े मगर समझ रही हैं तू भूखी है। उनके चौके में बने पराठों पर गवा देगी अपनी जात, नगर एक दिन जानने वाला है कितना जोर बांध रखा है अपनी बाजुओं में तूने। संडास के रास्ते ही सही आ तो गई आंगन तक, और चढ़ती जा रही है छत पर, कैसे छिपा पाएगा अब कोई और बाढ़ा तुझे। कविता पूरी हुई, मैंने तय किया कि उसे एक स्थानीय अखबार में छपने भेज दूंगी ताकि इस बाड़े की असलियत सामने आ सके, लोग जान सके कि झांसी के इस प्रतिष्ठित जादूनाथ के बाड़े में रहने वाले लोग छोटी जात के लोगों के प्रति कितने अमानवीय हैं। कस्तूरी जी, ये देखिए अखबार, आपकी बेटी ने बाड़े के लोगों पर कीचड़ उछालने वाली कविता लिखी है। हमने तो अपना जानकर आपको मकान किराए पर दिया था, अब बाड़े के लोग हम पर चढ़ रहे हैं। अरे कविता का शीर्षक बाड़े की औरत ही क्यों रखा? सिर्फ औरतें भी तो रख सकती थी। देखिए ये हम लोगों से छेड़ने की कोशिश है। नहीं नहीं सुकेश बाबू, बच्ची है, भावावेश में आकर लिख दिया होगा। वैसे भी जिन औरतों के समर्थन में लिखा है उन्हें तो पढ़ना भी नहीं आता। तो कोई पढ़कर तो सुना सकता है ना, और फिर वो जात पात ऊंच नीच भूलकर हमारी हंसी उड़ाएंगी। बाड़े के अध्यक्ष गुप्ता जी तो कह रहे थे कि मान हानि का दावा ठोक दो, पर मैंने मना कर दिया। नहीं नहीं, आप आज ही मकान खाली कर दीजिए। अरे पर सुकेश बाबू, थोड़ा समय तो और दीजिए, अब इतनी जल्दी मकान कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा, बहुत सी बस्तियां हैं, बस मुझे इतना ही कहना है कि शाम तक मकान खाली हो जाना चाहिए, नहीं तो सामान फेंकवा दूंगा। क्या जरूरत थी तुझे कवित्री बनने की? हम तो किराएदार के भी किराएदार हैं, वरना मैं तो स्टे ऑर्डर ले ली। बस बस, अब तुझे कोर्ट कचहरी तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। तलीराम। डॉक्टर जी का टेलीग्राम है, कहते हैं रीचिंग ऑन 12th April। 12? मतलब 6 दिन बाद? पर वो रहेंगे कहाँ? हमारे पास तो अभी मकान भी नहीं है। अम्मा हमें घर तो आज ही ढूंढना है। दुखी शोषित औरतों के हक में कविता लिखने की सजा तो सुना दी सुकेश बाबू ने, लेकिन मेरा बस चलता ना तो ऐसी 100 कविताएं और लिख देती मैं। बताओ तो क्या क्या होता है यहाँ। बस बस, अब बेकार की बातें मत कर।
तू पैकिंग कर, मैं मकान ढूंढ कर आती हूँ। समझ में नहीं आ रहा उन्हें यहाँ आके कैसा लगेगा। डॉक्टर हैं, यहाँ के सुअरों की उछल कूद और गंदगी देख के कहीं ऐसा ना हो कि उल्टे पांव ही भाग जाए। अरे वो जादूनाथ का बाड़ा कितना अच्छा था, पर तू तो चली थी महान कवियत्री बनने। अब अगर इन सुअरों की वजह से तेरी शादी टूट जाए ना, तो फिर मुझे मत कहना। लेकिन बाड़ा छोड़ने में आपने बहुत जल्दबाजी कर दी। कोई अच्छा सा कमरा ढूंढना था, यहाँ तो बाथरूम और लैट्रिन के दरवाजों में कुंडियां तक नहीं लगती। मैं उपाध्याय जी से बात करती हूँ। उनके नए मकान में ना छत के ऊपर दो कमरे खाली हैं, उन्हीं में से किसी एक कमरे में अपने लोगों को ठहरा देंगे और सगाई के लिए वो यहाँ आ जाएंगे। तो फिर मैं उनसे बात करके आती हूँ, ठीक है? हाय रे शादी, पल पल मुश्किल। आपका इंतजार है सुअरों से सज्जित इस बस्ती में। मुझसे कोई भूल हो जाए तो अभी से माफी मांग रही हूं डॉक्टर साहब। हाँ बेटा, बिटिया को अंगूठी पहनाओ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तो शादी की तिथि क्या होगी? जो आपको सुविधाजनक हो वो। वैसे हमारे पंडित के हिसाब से दीपावली के बाद की 2 तारीखें बहुत शुभ है। जी मुझे मंजूर है। वैसे मैं शादी सिरकुरा गांव में करना चाहती हूँ। दरअसल हमारी जड़े और हमारा समाज सब कुछ वही है। शायद आपको थोड़ी असुविधा हो लेकिन। अरे नहीं नहीं नहीं, जैसी आपकी मर्जी। वैसे हम भी गांव में रहे हैं और हमने भी सुअरों को बहुत भगाया है। तुम गांव से शादी करने का काहे सोच रही हो कस्तूरी देवी? अरे चलो मान लिया कि हीरा और मेवा राम के लिए तुम्हारे मन में श्रद्धा भावना है, मगर असुविधा कितनी होगी कुछ सोचा है? अब लड़का पढ़ा लिखा शहर में है पर रहने वाला तो गांव का ही है ना। मान लिया, मगर क्या वो अब गंवई जैसा रहता है? अरे धोती कुर्ता पहनता है क्या? उसके दोस्त यार सब शहरी होंगे, कहाँ ठहरेंगे? इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम शहर में ही शादी करो। अरे रुपए पैसे की कमी है तो हम है ना, कन्यादान में हमारा भी तो फर्ज है। इस बार कर्ज पर ब्याज मत देना। कर्जा लेकर मौज करना हमारी फितरत में नहीं, क्षमा करे भगवान दास जी। जैसी आपकी मर्जी। अब रास्ता सड़क की हालत तो ऐसी खराब है, बारात आपके द्वार तक पहुंचेगी कैसे? रास्ते की सफाई उफाई करवाओ जमींदार साहब। अब जमींदारी कहाँ रही खेरा पातिन, जो बेगार मजदूर लगवा दे। सही बात है, अब 2 मील रास्ता साफ करवाने का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पक्की सड़क तक बारात मोटर गाड़ी से आ जाएगी और हम 4-6 बैलगाड़ियां लेके वहाँ खड़े रहेंगे, बाकी सब जने उसी से आ जाएंगे। सीसपाल, तेने तो पैंट पहनी है ना, अरे पाइप जैसी तंग मोहरी होती है, बैलगाड़ी में बैठेंगे तो पैंट चरना से फट जाएगी। तो खजरोट से पैदल चले आएंगे। पर शहर के बूढ़े पैदल कैसे आएंगे? टहलते हुए चले आएंगे और क्या। अरे नहीं, साग की फुल्कियां खा के पंखा की हवा में सोने वाले बूढ़े अब पैदल नहीं चल सकते। अरे जवानी में उनने भले ही खेत जोत लो हो पर अब तो बेहात पांव तक नहीं हिला, और बुरे दिनों की कौन याद रखत है। अरे तो हेतराम को बुलाओ, लड़की के मामा है, सड़क बुहारेंगे वो। छोड़ो बेकार का प्रपंच, अरे तसला फावड़ा उठाओ और जुड़ जाओ रास्ता ठीक करने में। ब्राह्मण की मोड़ी की शादी है, पुण्य कमा लो। हम भी अपनी तरफ से 2-4 मजदूर भेज देंगे, ठीक है ना? हाँ। कस्तूरी बेटा जी। क्या प्रोग्राम है अब?
जी कल बिटिया का कर्ण छेदन है। अरे बचपन में कान छिदाया था तो मुंदाया का है ना? मैंने छिदवाया था और ना ही छिदवाना चाहती हूँ, पर अब पंडित जी का कहना है कि बिना छिदी लड़की का ब्याह ही नहीं होगा। खैर जो भी है, आप सब जरूर आना। अब मैं चलती हूँ, बहुत काम है। प्रणाम। राम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। विघ्नेश्वराय वरदाय सत्याय लंबोदराय शुक्लाय जगद्धिताय नागानाय यज्ञभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अरे भाई वो बालियां निकालिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधके शरणे तंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लीजिए पंडित जी। पंडित जी जरा हमें भी तो दिखाइए ये बालियां कितने वजन की है। हाँ भाई, आप लोग एक बार देख लीजिए जी भरकर, फिर पूजन प्रारंभ कराएंगे। अरे ये तो बई बालिया है जो पुष्पा को बचपन में पहनाई हती। काय हेतराम, तुम मौड़ी के लाने नई बालियां बनवा के नहीं ला सकता थे? अरे पुष्पा की नानी मरते समय सोना दे गई रही तो बेकार तुम सब खा के डकार गए। का बकवास करत हो तुम लोग? पंडित जी तुम पूजा कराओ। पंडित जी जे लो, हमने मोड़ी के कन्यादान के लाने सोने की बालियां बनवाई है, इनकी पूजा करो और पहना दो। ऐसे कंजूस मामा मामी हमने तो नहीं देखे। ए जाटनी, मुंह संभाल कर बोल, आग लेने के आई घरवारी बन गई। अरे चोर हेतराम, मोड़ा पुलिस वालों का बन गयो, हमें रोब न दिखा जा रहा। ज्यादा बोले तो बकवास करे उल्टा मार दे। अरे हाँ, ये क्या कह रहे हो तुम हेतराम, आगे एक लफ्ज मत कहना। अरे ये हमारे सबके सामने बेइज्जती करते, आप कुछ नहीं बोल रहे? चोर हाल चुरा के ले गए, हम जाना थे तो सारे पैसे खा। अरे चुप कर, चुप कर, ले तो सबके सामने। अरे छोड़, इधर ला, हमें मार रहे हो। ये सबके सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हो? सारे मंडप के बीच में हमारी धोती खींचती है, हम तो गोली मार गए। एक चाटनी ने हमारी लोग लुगाइयों के बीच में बेइज्जती की है, अब हम इस गांव के किसी भी जाट भाटों को खाना नहीं खवाएंगे। बनिया खाए, बामन खाए, जाट आए तो कुत्ते की तरह खदेड़ेंगे।